हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आए हुए बीएड के फॉर्म के बारे में। आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, कितनी फीस होती है बीएड की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बीएड करने के लिए, और क्या यहाँ का बीएड वैलिड होता है। अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, क्या आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट टीचिंग फील्ड में। तो इस आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तो आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। और गाइज, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि मैं अब अपकमिंग डेज में हर तरीके का अपडेट देता रहूंगा। जैसे सपोज करो किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में नहीं बना पाता तो मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। अदरवाइज आप अपने इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे, और कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिस आएगा मैं डेफिनेटली वहां पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते रहे। गाइस देखिए, अगर आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड। तो आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। मैं इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करूंगा आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस खोल के आएगा। यहाँ पे आपको बीएड वाले पे क्लिक करना है। ये 21 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है और मैं 22 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो जैसे आप यहाँ पर बीएड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है। हाँ, दिस इज द वेबसाइट। और गाइज यहीं पर आपको रजिस्टर करना है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सो गाइज देखिए, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है अप्लाई करने की, दैट इज 1000 रुपीज। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है। आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता देना। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि अलग से आपको वीडियो चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करी जाए ताकि एक सिंगल अटेम्प्ट में आपका ये वाला एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बोल दें ताकि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूं। अगर एक दो कमेंट आएंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर काफी ज्यादा कमेंट आ जाते हैं इस टॉपिक पे, इस चीज को लेकर कि सर इस चीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझा दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज फीस है। आप पूछेंगे सर यहाँ पर कि जो SC ST कैटेगरी की है उनकी फीस कितनी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब आई थिंक यहाँ पर सभी की फीस जो है 1000 रुपीज है, तो यहाँ पर किसी को कोई रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट फीस में आई थिंक देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा गाइस देखिए, इसी ऑप्शन में आई मीन यहाँ पर देखिए एक नंबर गिवन है, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर रिफंड ऑफ फीस। अगर इनकेस डबल डबल पेमेंट आपसे गलती से हो जाती है तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। अगर दो दो बार आपकी एप्लीकेशन फीस पे हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पर फीस रिफंड कर दी जाएगी। मतलब लेकिन अगर आप एक ही बार फी पे करोगे, मतलब सिंगल टाइम फी पेमेंट करिए, तो फीस जो है नॉन रिफंडेबल, आपको फीस रिफंड नहीं करी जाएगी। और इसके अलावा गाइज देखिए, यहाँ पर कुछ आपके बारे में बहुत सारे डाउट आते हैं और आते रहेंगे, तो इसलिए जनरल क्वेरीज के लिए यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ है, सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, मंडे से फ्राइडे, ना सैटरडे ना संडे, इन दोनों दिन आपको कॉल नहीं करना है। बाकी मंडे से फ्राइडे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है दे दी जाएगी। आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लें। यहाँ पर नंबर मेंशन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ताकि फ्यूचर में आप इस चीज का यूज कर पाए। अब गाइस देखिए, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी गिवन है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा बीएड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी गिवन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज भी आपके आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा गाइस अब हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए ताकि आप इग्नू से बीएड कर सको। तो गाइज देखिए, एलिजिबिलिटी जो है इग्नू की थोड़ी सी बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको ओनली ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आपको ग्रेजुएशन के अलावा भी आपका एक चीज और चाहिए होती है, दैट इज आपका एक अदर अदर कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या है गाइज, आप इन चीजों को कंप्लीट जान सकते हो कहाँ पर। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है इग्नू के बीएड से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल होता है और कौन सा कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अदर देन ग्रेजुएट अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक कोर्स और चाहिए होता है, तो वो कौन सा कोर्स है आप इस वीडियो को देख लेना, इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना, तो आप चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फीस कितनी है। तो गाइस देखिए, इग्नू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो इग्नू से बीएड करने की फीस है 55,000 रुपीज फॉर द एंटायर प्रोग्राम, पूरे 2 साल की। बीएड जो है 2 साल का है यहाँ पर इग्नू में, तो इस 2 साल के बीएड की जो फीस है वो 55,000 रुपए है पूरे 2 साल की। तो अगर आप दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 27,000 के आसपास आएगा ना, 27,500 के आसपास आएगा। तो इतनी फीस आपकी 1 साल की, फिर ऐसे आपकी फीस होगी नेक्स्ट ईयर 1 साल की। तो इस तरीके से आप अगर ईयर वाइज लगाओगे तो आपकी फीस जो है इतनी बन रही है। और गाइस देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो एडमिशन है वो किस तरीके से होता है यहाँ पर। तो एडमिशन जो होता है वो यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जो कि इग्नू खुद कंडक्ट करता है एंट्रेंस एग्जाम को। उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका एडमिशन होगा। कोई और रास्ता नहीं है एडमिशन का, जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम में अपियर नहीं करते आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए इस एंट्रेंस एग्जाम के ही फॉर्म फिल किए जा रहे हैं ये, आप फटाफट से फॉर्म फिलिंग करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर लो, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। और गाइज देखिए, हर एक जो पीएससी होती है, मतलब जो आपका स्टडी सेंटर होता है, उसमें 50 सीट्स होती हैं। मतलब जैसे सपोज करो नोएडा वाला स्टडी सेंटर है या नोएडा वाला जो रीजनल सेंटर, इसमें 50 सीट्स हैं बीएड की। ऐसे ही इंडिया में जहां जहां पर भी आपके सेंटर हैं इग्नू के, वहां पर 50-50 सीटें होती हैं बीएड की। अब यहाँ पर गाइस ये सीटें कुछ कम ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट अप्रॉक्स जो है ऑन एन एवरेज यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 सीटें हर जगह जो है बीएड की होती हैं। अब गाइज इन 50 सीटों में ही आपको कॉम्पीट करना है, और इंडिया में आप किसी भी स्टेट में रहते हो आपको उसी स्टेट में रहकर ही आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा, ऐसा ही है। जहां भी आप रहते हो उसी स्टेट में आपका अगर इग्नू का सेंटर है तो वहां पर जो है आपका लाइक बीएड का जो एडमिशन है वहां पर आपका करवा दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस देखिए, इग्नू जो है, इग्नू में 2 साल का है, तो फर्स्ट ईयर ये है और सेकंड ईयर ये है। फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे कोर कोर्सेज और इसके अलावा कुछ वर्कशॉप है, एपीसीआई, मतलब ये कुछ सब्जेक्ट वगैरह जो कि आपको कवर करने हैं। इसके अलावा देखिएगा आप इंटर्नशिप भी है यहाँ पर। इंटर्नशिप का मतलब है कि आपको स्कूल भेजा जाएगा, आप स्कूल में जाकर टीचिंग करोगे कुछ टाइम, 4 वीक का होता है ये, 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना होगा, 1 मंथ आपको स्कूल में भेजा जाएगा, आप वहाँ पर टीचिंग करोगे, इसके 4 क्रेडिट होते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप होती है इसमें, और इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप होती है इसमें, 16 वीक की होगी। 16 वीक का मतलब हो गया आपका 4 4 8 4 4 16, मतलब ये तो 4 महीने हो गए फिर तो, है ना, क्योंकि 4 वीक का 1 मंथ होता है और 4 4 16 आई थिंक 4 मंथ हो गया अप्रॉक्स। तो गाइज इसमें तो ज्यादा लंबी आपकी इंटर्नशिप होती है सेकंड ईयर में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रेडिट भी काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ पर 4 क्रेडिट थे लेकिन यहाँ पर 12 क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब हो गया कि आपने कितना स्कोर किया बीएड में। तो अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो काफी अच्छे खासे मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके बीएड वाली डिग्री में। और इंटर्नशिप जो है वो 2 साल में कंपलसरी है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं। अगर आप जॉब कर रहे होगे तो आपको छोड़ करके फिर अगर आपको इंटर्नशिप में भेजा गया तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। बिकॉज ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग ही होता है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से आपको स्कूल में पढ़ाना है, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो कि आपको करनी ही करनी है। तो गाइज ये था, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अच्छा, अप्लाई किस तरीके से करना है, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट कर देना, मैं आपको फॉर्म फिलिंग करके दिखा दूंगा कंप्लीट, ताकि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है आप गलती ना करें, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप गाइस करना कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।